She took my heart and left me lonely. I think broken hearts contagious. Hey guys, welcome to the Mehra vlog. आप तो मेरा व्लॉग का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, उसके लिए रियली सॉरी गाइज। बट मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे पापा एडमिट हो गए थे, 10 दिन उनको बिल्कुल हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके वजह से मैं व्लॉग नहीं आ रहा था। छठ में इतना साउंड थी जो उसमें हम व्लॉग कर नहीं पाए, छठ के बाद सोचे व्लॉग डालें। बट हम दरभंगा आए छठ ही की रोज़, मेरा एग्ज़ाम था छठ के एक दिन बाद, उसमें आए मेरा एक छोटी सी एक्सीडेंट हो गई। स्कूल से जब हम रिटर्निंग आ रहे थे एग्ज़ाम दे के, उसमें मेरी एक्सीडेंट हो गई और उस एक्सीडेंट में मेरा लेग फ्रैक्चर हो गए, जो आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से। और उसी लेग फ्रैक्चर में मेरे कुछ दोस्त मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, जिसका नाम इस बैंडेज पे लिखा हुआ है, माहिराज, सदाब, रवि यादव। ये तीन बंदा जो मेरे सबसे ज़्यादा हेल्प किया, बल्कि माहिराज और सदाब भाई कुछ ज़्यादा ही हेल्प किए, उसके लिए ये तीनों को दिल से थैंक यू सो मच। आप लोग ज़्यादा जितना हेल्प किए उसके लिए, पता नहीं हम कब ये एहसान चुका सकेंगे। आप फिर रूम पे आने के बाद मुकेश मेरा मेडिसिन लाया। हम उस टाइम रूम पे अकेले थे, बिल्कुल ही अकेले थे रूम पे, कोई नहीं थी मेरे फैमिली मेम्बर में। उस टाइम हम कॉल किए घर पे, फिर दीदी आई और उसके मैं लेग तक फ्रैक्चर हो गई थी पूरी बिल्कुल तरह से, इसलिए व्लॉग नहीं आ पाए हम। मैं जब लेग फ्रैक्चर हो गई थी, जब मैं बैंडेज हो रही थी, उस टाइम हम सोचे व्लॉग बनाए, लेकिन इतना ज़्यादा दर्द था जो उस टाइम व्लॉग बना नहीं सके। सोचे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दे जो ब्लॉग अभी थोड़ा दिन के लिए नहीं आ सकेंगे। अगर होगा तो हम ज़रूर ब्लॉग अपडेट करते रहेंगे आप लोगों को। बट अभी डॉक्टर एक सप्ताह के लिए बिल्कुल ये पैर को रेस्ट में रखी है, तो इसलिए एक हफ्ता बाद डॉक्टर बताएंगे जो कैसे क्या हुआ। आपको फुल्ली स्टोरी हम शेयर करेंगे जब मेरे दोस्त लोग मेरे साथ रहेंगे, जो सब मेरे साथ थे वो सबके साथ शेयर करेंगे, तब आप लोग को मज़ा आएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सबको दिखाते रहिए, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। प्लीज़ थैंक यू सो मच। एक के बहुत करीब है।